आज क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई धर्म मनाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार खुशियों के साथ विश्व में मनाया जाता है। इस पर्व को मुख्य तौर पर ईसाई धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। ईसाई धर्म के मुताबिक यह माना जाता है कि इस दिन ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इसी खुशी में यह पर्व उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अकरम खान ने ग्रेटर नोएडा के एक चर्च में वहां पर मौजूद अनुयायी से क्या बातचीत की, आपको दिखाते हैं। ईश्वर में आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह चर्च में लोग प्रेयर कर रहे हैं और भगवान यीशु के जन्मदिन को मना रहे हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर देश की समृद्धि की दुआ भी कर रहे हैं। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के चर्च में हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना सभा भी कर रहे हैं। कैसे क्रिसमस की शुरुआत होती है और कैसे लोग मनाते हैं, उनसे उनकी बात करने के लिए हमारे साथ एक मैम से जाते हैं। मैम, कैसे ये क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है और 24 तारीख से कैसे शुरू होता है और कब तक ये मनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, और आपका स्वागत है चर्च में। और 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था और 24 की रात से हम मास मनाते हैं, क्योंकि 12 बजे उनका जन्मदिन हुआ था और वो दुनिया के पाप हरने के लिए आए थे। तो ईश्वर ने, जिसने ये सारा जगत बनाया, वो एक बच्चे के स्वरूप में आया ताकि वो इंसानों के पाप हर सके। और इसको ही हम महिमा देते हैं और इसको ही महिमा देते हुए हम इनकी प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ये जो प्रेयर होती है उसमें क्या क्या खास होता है और कब तक ये चलेगी और कैसे आप लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है? चर्च आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन हुई है और जगत के पीस के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत अशांति फैली हुई है और जीसस को प्रिंस ऑफ पीस बोला जाता है, तो उनसे ज़्यादा अच्छा कौन होगा, किससे हम प्रार्थना कर सकते हैं जो पीस खुद ही के स्वरूप में है। तो हम जगत के पीस मांगते हैं उनसे, अपने भारत देश का पीस मानते हैं और सबको ब्लेस करते हैं। अच्छा मैम, देखने में अभी हमने कई चर्च देखे वहाँ पर, सभी धर्म के लोग अब आ रहे हैं और अच्छे से इसको मना भी रहे हैं। आज का कुछ क्या खास प्रोग्राम है आपका, किस तरह से आज सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ मिलकर? यीशु मसीह के वचन रहे हैं, गरीबों की सहायता करिए, जो लोग अकेले हैं, असहाय हैं, उनके लिए कुछ काम करिए, उनकी ज़रूरत में काम आइए, तो वो ऐसा होगा कि आप मेरे लिए काम आए हो। आपने जो इन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनके लिए जो किया है, वो आप यूँ समझिए कि वो आपने हमारे लिए किया है। तो प्रेयर बस अपनी ही इच्छाओं के बारे में नहीं होता, लेकिन दूसरों की सहायता के बारे में भी होता है, क्योंकि जितने बच्चे हम हैं उतने बच्चे आप भी हैं, जितने बच्चे हम हैं उतने ये सारे धर्म जात के बच्चे यीशु मसीह के भी हैं। तो ये थे हमारे साथ एक अनुयायी जो यहाँ पर आए हैं प्रेयर करने, और उनका कहना है कि यीशु का जन्मदिन जो हम लोग मना रहे हैं उसमें सबसे खास ये है कि अपने साथ साथ दूसरे लोग जो समाज के हैं उनका भी भला किया जाए, उनकी भी मदद की जाए, और इसी तरह से खास त्यौहार ये सब लोग यहाँ पर चर्च में आकर मना रहे हैं।